और अब बात करते हैं सुरुलागंज की, जहां नगर में अमन शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शांति समिति की बैठक अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आकाश अमलकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं आगामी त्योहार रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के साथ मुहर्रम के त्योहार को लेकर प्रशासन द्वारा लाड़कोईवा क्षेत्र के ग्रामीण के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान SDOP आकाश अमलकर, थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर, चौकी प्रभारी मोहताब वासगे सहित नगर के गणमान्य नागरिक व वरिष्ठ जन मौजूद रहे। विराट 24 न्यूज के लिए सरुलागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार राज्य ग्राम लाड़कोई में हमने शांति समिति की बैठक ली थी। इसमें आगामी जो त्यौहार है, इसमें राखी है, मुहर्रम है, जन्माष्टमी है, गुजरिया है, इसके संदर्भ में जो भी हम सावधानी रख सकते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए जो भी त्यौहार हम कर सकते हैं उसके संदर्भ में समिति की बैठक की गई। सर, इस पर क्या अपील करना चाहेंगे, जो तिरंगे को लेकर घर घर तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है शासन द्वारा, इस पर शासन द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, सबसे हमको अपील है कि जो भी जितनी भी जो प्रक्रिया है झंडे की और जितनी भी संहिता के अनुसार सब कार्रवाई करें और इस पर बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें। दिनांक 13 से 15 अगस्त तक जो भी अपने घर में झंडा लगा सकते हैं झंडा लगाइए और उसका योगदान करें।